सोफी स्टार्ट हो रही है। सोफी आ रही है शिवकंठा देवी मंदिर जन्नत। ओ भाई साहब इधर पड़ी हुई है पूरी बर्फ, यहाँ पे बर्फ, ऊपर बादल और बीच में स्नोफॉल हो रही है। जैसे रास्ते में जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं पुरांस के, ये देखो ये लगा वो भी है सामने, अबे बेटे आगे लगा हुआ गणेश पुरांस का ही पास ही है, उठा के देखे क्या है पुरांस की है, मैं कभी जेड़ ना खा ले हम घर चल रहे चाट ले पुरांस का ही है क्या। हाँ तो पुरांस का तो पी ले फिर, मुझे समझ नहीं आ रहा ना लगता नहीं पुरांस का यार। चलो क्या ही नजारे दिख रहे, और ये बार बार यार मेरे समझ में नहीं आ रहा है बुरांस के ही है यानी, कमेंट करके आप बताना कि बुरांस के ही पेड़ है या ये नहीं है। तो यार हमें एक और लोकेशन मिली, कितनी प्यारी लग रही है, बोलते अपने पास अगर बुलेट बुलेट होती वहां से आता तुम्हारा भाई, यूँ निकलता वहाँ और हीरो लगता तुम्हारा भाई। और जो ये मैं पेड़ बोल रहा था ना ये बुरांस के ही पेड़ है, अभी हमने एक अंकल वहाँ पे वो ना यार मुझे एक चीज अच्छी लगी यहाँ गाँव वालों की ना, कि जो यहाँ मतलब गांव वाले हैं ना यहाँ के वो हमारे लिए मतलब रोड वगैरह साफ कर रहे, मतलब जितने भी यहाँ पत्थर वगैरह गिरे हुए ना वो किनारे रख रहे हो, भयंकर ये चीज मुझे बढ़िया लगी। उनसे हमने पूछा ये बुरांस के पेड़ है क्या, उन्होंने बताया कि हाँ ये बुरांस के पेड़ है, मजा आ गया यार। मगर वो देख के ना क्या भयंकर लग रहा है यार आईफोन में भयंकर बादल वगैरह, मगर यार ये देखो मौसम देख रहे हो तुम, मौसम हो रहा है यार भयंकर बारिश होने का, और बारिश होगी ना तो अपनी हालत खराब हो जाए। सोफी आ रही सुरकंडा देवी मंदिर जय माता दी, और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ, यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट है, ये है अपना मेन गेट। रास्ते में बर्फ गिरी हुई थी, हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि बर्फ गिरी होगी, रास्ते में बर्फ, और हम उसे देख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे रुई होती है ना रुई गोल गोल ऐसे में पड़ी थी, गोल गोल हो गए। यहाँ का व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा ऊपर, मगर मौसम हो रहा है यार बारिश का, और बारिश का मौसम हमारा मतलब खतरनाक ही सीन हो जाएगा अगर बारिश होगी तो, ठंडी इतनी हो रही है ना यार पूछो मत। यार यहाँ पे लिखा है मंदिर के बारे में, भाई साहब यहाँ पे तो कच्चर वच्चर भी चल रहे ऊपर जाने के लिए, और रोपिंग भी है। तो यार अपने यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है भयंकर, हल्की हल्की पड़ रही है अभी, जब पूरी पड़ेगी तब दिखाऊंगा, अभी कैमरे में दिखेगा भी नहीं वैसे भी। तो ऊपर से कुछ ये लोकेशन है यार सुरकंडा देवी माता की, देखो यहाँ पे बर्फ, ऊपर बादल और बीच में स्नोफॉल हो रही है। तो यार अपनी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, ये देखो स्नोफॉल, और ये अपना व्यू, यहाँ पे शूज वगैरह उतार दें फिर दर्शन के लिए चलेंगे। ये यहाँ का मेन गेट माता दी। भाई बताओ मैंने पैर ऊपर क्यों कर रखे, मैं नहीं बताऊंगा, सुनोगे यार पैर, भाई साहब दर्द हो रहा है यार, यहाँ स्नो गिर रही है देख रहे हो, स्नो गिर रही यार मजा आ रहा है भयंकर। ये अपना मेन मंदिर है, स्नो कैसे गिर रही है यार मेरे पैर, सुनोगे भाई अभी हम दर्शन वगैरह करते हैं फिर मिलते हूँ आपसे। तो यार हमने दर्शन वगैरह तो कर लिए और भयंकर सुकून मिला यार यहाँ के ना, सुकून सुकून सा लग रहा है, और भयंकर मगर ठंडी बहुत हो रही है यार, मेरे ना पैर सुन हो गए,
चल चल के ना, क्योंकि ये बर्फ गिर रही है तो इस वजह से ठंडा बहुत लग रहा है। ओ भाई साहब, इधर पड़ी हुई है पूरी बर्फ बर्फ। ओ भाई, और यहाँ पर मिला मैं भयंकर वो फुटबॉल मिली, सबसे बड़ी फुटबॉल है देखो फुटबॉल लग रही है भयंकर बिल्कुल। और यार जो यहाँ का व्यू है ना, उसके तो क्या ही कहना है। ये पूरा का पूरा हल्की हल्की स्नो हो रही है और नीचे स्नो गिरी हुई है, और इधर आपका मंदिर है पूरा का पूरा। ये देखो मैं वैसे दिखाता हूँ थोड़ा वाइड एंगल में, ये पूरा का पूरा यहाँ का मंदिर। इधर भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए, एक ये मेन मंदिर है, सबसे बड़ा मेन मंदिर। और यहाँ का जो व्यू है ना यार, अये हाय मज़ा आ गया यार यहाँ के ना। और जय माता दी, कुछ इस तरह दिखता है अपना सुरकंडा देवी मंदिर का पूरा वो सीन। क्या व्यू है यार, और नीचे के जो इसके व्यू है ना, मैं भी चेक कराता हूँ आपको। ये देखो भयंकर हेवन है पूरा का पूरा सीन। फॉग, ये देखो यार, इधर देखो जन्नत भाई साहब। वो भाई अभी हम बर्फ में चढ़े, और भाई साहब हमारे सुन हो गए भाई साहब पैर। और इस प्यारे से व्यू को और मंदिर को कहते हैं बाय, यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यार जल्दी जाना है। तो यार हमने दर्शन वगैरह तो पूरे कर लिए, मगर यार जो यहाँ की ठंड थी ना, क्या ही बोलें, बर्फ़ पड़ रखी थी ना क्योंकि इस वजह से ज़्यादा ठंडा होगा। और स्नोफॉल तो हो रही ज़्यादा हुई नहीं, वहाँ की किस्मत हुई नहीं है भयंकर, मगर हालत ख़राब हुई थी यार। हमने फटाफट वीडियोज़ वगैरह बनाई, सिनेमेटिक बनाई, इसकी तो हिम्मत माननी पड़ेगी। साला बर्फ़ में चल रहा, बताओ मुझे ऐसे ही ठंडी लग रही, ये बर्फ़ में चल रहा ऊपर से भयंकर। अभी आते जब हम ऊपर चढ़ाई चल रही थी, तब तो ऐसा मन कर रहा था कि रोपिंग में बैठ के आ जाए, मगर पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अक्षय कुमार का कहना है कि 10 रुपये दो मैं तुम्हें 100 दूंगा, डबल, एक का डबल। और यहाँ एक ही नहीं है डबल, तो दूर की बात भयंकर। तो यहाँ दर्शन वगैरह कर लिया, मज़ा आ गया। मगर एक चीज़ यार मेरे को गलत लगी यार, जो यहाँ आ रहे ना लोग वगैरह, वो फोटो क्लिक करवाने की उससे, क्योंकि पैर में ठंडी लग रही, फ़ोटो क्लिक करवाने की उससे, जो उधर वाला मेन गेट है ना, यहाँ से इधर से शूज़ वगैरह पहन के जा रहे हो, उधर उतार रहे, ये थोड़ा चीज़ गलत लगी। मगर यार क्या ही बोल सकते हैं, अब हम तो गए नहीं यार भयंकर, सही है ना, ठीक तो है यार, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इधर तुम शूज़ उतार रहे, फिर पहन के फिर वहाँ जा रहे फ़ोटो क्लिक करवाने, ये तो एक वो हो गया ना दिखावा, तो यार एक गलत चीज़ है। तो यार जो भी मेरा व्लॉग देखेंगे ना, तो वो ऐसा मत करना यार, मैं फिसल ना जाऊँ यार भाई, खतरनाक ही सीन हो रहा। और यार हम ना गलत रास्ते से आ गए भयंकर, हम रायपुर वाले रूट से आ गए, हमें मसूरी रूट से आना चाहिए था। तभी तो बोलो यार, मैं बंदे क्यों नहीं दिख रहे, गणेश भी बोल रहा बंदे दिख ही नहीं रहे, कोई आने जाने वाला इसका समझ नहीं आया। गणेश का इतनी तेज़ी उतर गया नीचे, ऐसा लग रहा जैसे मोटर लगा रखी होगी साले ने पैर में, फटाफट उतर गया। मैं ऊपर से आवाज़ मारा, मैंने कहा कहाँ गया भाई। अरे एक और चीज़ यहाँ की मेरे को गलत लगी, यहाँ पे ना बहुत कूड़ा कर रखा है यार, कम से कम यार बंदा जो भी आता है ना भाई, कम से कम बैग तो लेके ही आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और जो नहीं आते कम से कम उनके पास पॉकेट तो है ना, पॉकेट में डालो ना, तो वो चीज़ यार थोड़ी बेकार लगी, पूरा ही गंदा हो रखा है यार, इधर कूड़ा ही कूड़ा कर रहेगा यार, ये देखो इधर भी कूड़ा कूड़ा कर रहेगा। बच्चा तो कोई आता नहीं होगा यहाँ, बड़े आते हैं सब, और फिर भी इतनी वो नहीं है नॉलेज, बताओ। तो ये चीज़ थोड़ी गलत है यार, थोड़ा देख के यार, जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो यही चीज़ मत करना यार यहाँ के, प्लीज़ यहाँ क्या मतलब, जहाँ भी नेचर वाली जगह पे जाओ ना, उसे गंदा है ना ही करो तो अच्छा है। और यहाँ पे खाना वाना मिल जाएगा, थैंक यू अंकल। और यहाँ पे रोपिंग वगैरह चार्ज कितना है? रोपिंग का भी चालू 240 होगा, बोला 240। और उसका जो खच्चर ले जाते हैं 400 रुपये। तो यार जो रोपिंग का यहाँ पे चार्ज है ना, रोपिंग का चार्ज यहाँ पे है 200 कुछ रुपये, और जो उसका खच्चर का जो चार्ज है ना, वो ज़्यादा है यार 400, मतलब वो शायद एक तरफ का होगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो बाकी अभी हम यहाँ खाना वगैरह खाने रुके हैं, तो यहाँ खाना वगैरह खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो क्या हो गया भाई? अच्छा बंदर आते हैं, मैंने सोचा लड़ाई होगी भयंकर। तो यार छोले चावल खाएंगे, राजमा चावल तो ख़त्म हो गया यार, राजमा चावल से प्यार है यार, कोई बात नहीं, जो है अपने उसमें वही खाएंगे। नेट चल रहा है यहाँ पे भाई साहब, नेट भी चल रहा है यार, यहाँ मानना पड़ेगा। तो यार इधर अपने छोले चावल आ गए, और भयंकर प्याज के बिना तो काम ही नहीं चलने का, प्याज मंगवाते हैं अभी भाई, प्याज के बिना अपना काम ही नहीं चलता प्याज जरूरी है। लो भाई अपने प्याज भी आ गए, मिर्ची खा लेगा है? अच्छा ऐसे ही खा के दिखाइए, एक पूरी की, एक ऐसे ही खा के दिखाना, अभी तो बोल रहा था खा लूँगा, खाने के साथ खाऊंगा। ओ भाई साहब यहाँ पे अभी मैंने पानी पिया खाने के बाद, ठंडा भाई ठंडा, कतई ठंडा, पिया नहीं गया पानी,
क्या बोल रहा, खाने के साथ चाय पी लो, वही ऑप्शन है मेरे भाई, और कुछ ऑप्शन नहीं है। पेट फुल हो गया मगर एक नंबर था यार खाना, है ना, हो गया। चले फिर खाना वगैरह तो हमने खा लिया, तो यहाँ से निकलते हैं अब। तो यार यहाँ अपनी फुल ऑफ रोडिंग हो रही है, धीरे धीरे आवाज़ भी आ रही है, हमारी फट रही है यार यहाँ क्योंकि भयंकर बहुत खतरनाक रोड है भाई। हंस रहा है, बताओ पीछे बैठ के हंस रहा, अभी फिजली थी तब नहीं पता चला भयंकर। मगर हम यहाँ ना इस वाले रास्ते से गलत आ गए, उसी रास्ते से जाना चाहिए था हमें। हाँ तो यार उसके बाद ना हम घर आ गए थे क्योंकि रात हो गई थी बहुत, और जो आईफोन की बैटरी थी ना वो भी लो हो गई थी, 1% बची थी बस, तभी उसके बाद मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो मगर जो वहाँ के व्यू थे ना यार, मतलब हर 5 मिनट बाद भयंकर भयंकर थे, और मौसम भी बढ़िया और था। और जाते हुए हम सही करा, हमने जाते हुए हम लॉन्ग रूट से गए, आते हुए हम शॉर्ट रूट से आए, जाते हुए हम रायपुर रोड से गए थे और आते हुए राजपुर रोड से आए, तो हमारे लिए बढ़िया रहा। और मगर उधर की तरफ ना जिधर से हम मसूरी साइड से आए, तो वहाँ दिक्कत एक ही थी बस, वहाँ ना स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा आइस का ना, तो वहाँ मेल्ट हो रही थी वो, इस वजह से ना थोड़ी गाड़ी फिसलती है अगर वहाँ वो, मगर इतनी मेल्ट नहीं थी मगर फिर भी हल्की फुल्की फिसल रही थी। तो फिर हम उसके बाद फिर घर आ गए थे, मगर व्यू बढ़िया थी, तो आप भी जाना एक बार ज़रूर वहाँ पे। और उसके बाद हम पैसिफिक मॉल गए थे, क्योंकि मैं तो जाता नहीं आ रहा इसी जगह पे, मगर वहाँ का जो चूना लगाना मैं गणेश को और मेरे को, वो भयंकर 300 रुपये की एक आइसक्रीम भाई हमारी तो हालत ही ख़राब होगी। अब अगर वहाँ लेना तो क्या बोलते, उसने हाथ में पड़ा दी, फिर पैसे देने ही पड़े, 300 की एक आइसक्रीम, अभी तक अफसोस है भयंकर। तो यार दिस ऑल फॉर द व्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, तब तक लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।